हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। सो आई होप सब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर मैच में हम बात वीडियो में बात करने वाले वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का आज का जो मैच हो रहा है। एंड पर्टिकुलरली आपको मैं बता दूँ, ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छा मैच है। अगर आपको यकीन नहीं होता दैन मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 11 टीम्स मैंने इस मैच के लिए बनाई है एंड ग्रैंड लीग ऑलरेडी ज्वाइन कर दी है। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा ग्रैंड लीग जरूर खेलना। एंड मैं उन्हीं मैचेज में बोलता हूँ जिसमें या तो दोनों टीम्स स्कोर करती है, जिसमें मेरे को पक्का पता होता है कि मतलब ज़्यादा मैं और श्योर होता हूँ कि दोनों टीम स्कोर करेगी या फिर क्लीन शीट के ज़्यादा चांसेस है, वो मैच वो पर्टिकुलरली जरूर खेलता हूँ। सो इस वजह से आपको भी सजेस्ट करूँगा। बाकी प्लेयर्स मैं आपको बताई दूंगा आप ग्रैंड लीग कैसे बना सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। सो पूरी वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर। सो उस वजह से बाकी अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद आगे बढ़ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी मैच की जो वीडियो है मिस ना करो आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी। एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आप मैच जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, फटाफट से वीडियो देख लो एंड अच्छी खासी एक स्मॉल लीग की टीम बनाकर विन करो। बाकी जो फाइनल टीम्स आएगी, जो स्मॉल लीग की फाइनल टीम मैं पोस्ट करूँगा वो करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। सो वो भी जाके आप ज्वाइन कर लेना फटाफट से, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते देन लिंक की जगह लिंक की जगह पर आप टेलीग्राम में जाना, वहाँ पर जाकर आप टीम्स फॉर विन सर्च करना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर आपको चैनल मिलेगा। सो ये आप देख सकते हैं, आज ही हमारे जो दूसरे एडमिन है लाइक जो अननोन मैचेस कभी कभी कवर करते हैं, सो उन्होंने आज ग्रैंड लीग विन किया और यही टिप्स वगैरह वो आपको हमेशा वीडियो में देते हैं। सो उनके फॉलो किया करो, क्योंकि क्रिकेट के लिए मैं उतना अच्छा नहीं हूँ बट वो काफ़ी अच्छे हैं। सो उनके एनालिसिस भी आप चैनल पर देख सकते हैं, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, कुछ हमारी भी हेल्प हो जाएगी इसी बदले में, क्योंकि पैसे वगैरह कुछ मिलते नहीं है, सब कुछ आपके लिए इस चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा के लिए रहेगा। बाकी दूसरी टीम्स वगैरह आप देख ही सकते हैं इधर भी। बाकी अभी चलते अपने मैच के ऊपर, नहीं ज्वाइन कर रहे थे यार इसमें आपका नुकसान है। बाकी अभी चलते मैच के ऊपर, वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच है प्रीमियर लीग का, 1:45 एम इस मैच की डेडलाइन है, सो ये ध्यान में रखना। बाकी वेन्यू की बात करें द होथ्रोन्स में मैच है, वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन का ग्राउंड है, इंग्लैंड में, सिटी अवे टीम है। देन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो इधर से भी देखकर। टेबल स्टैंडिंग्स की बात करेंगे तो इधर आपको थोड़ा बढ़िया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन जो 19th पर है रेलीगेशन जोन में अभी के लिए है ये, इन्होंने अब तक 18 या 19 मैचेस हुए हैं, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 18 या 19 मैचेस इनके हुए, 2 इन्होंने विन किए हैं, 5 रहे हैं ड्रॉ एंड 12 मैचेस जो ये हारे हैं, बाकी सॉरी 19 मैचेस में इन्होंने 15 गोल्स जो स्कोर किए, सो वो काफ़ी कम हम बोल सकते हैं। एंड 43 गोल्स जो इन्होंने कंसीड किए, सो डिफेंस की बिल्कुल एक धज्जिया उड़ी हुई है वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन की। सिटी की बात करें तो वो है सेकंड प्लेस पर, टेबल टॉपर से थोड़ा सा नीचे, 18 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 11 इन्होंने विन किए, 5 रहे ड्रॉ एंड सिर्फ अब तक 2 मैच हारे हैं 18 में से। गोल डिफरेंस कुछ ज़्यादा खास है नहीं इनके नाम को देखकर, 18 मैचेस में 31 गोल जो इन्होंने स्कोर किए एंड 13 गोल जो कंसीड किए, सो ये कुछ एक इंप्रेसिव चीज़ है। तो इनका डिफेंस काफ़ी मजबूत है, जो वेस्ट ब्रॉमविच के लिए गोल करना बहुत मुश्किल होने वाला है आज के लिए। अगर इनकी बात करें प्रोल लिंगले उनके, देन ब्रॉमविच एल्बियन की तरफ से जॉनस्टोन जो गोलकीपिंग कर सकते हैं, बाकी ओशी अजय बार्टले एंड गिब्स जो कर सकते हैं डिफेंस में स्टार्ट, एंड देन ग्रास लिवरमोर सोयर्स ग्रोसिकी जो आपको देख सकते हैं मिडफील्ड, देन मैथ्यूज मिलेंगे अटैकिंग मिडफील्ड एंड रॉबिनसन जो इनके मेन स्ट्राइकर है। इधर से आपको दिखेगा मैथ्यूज जो अब तक 4 गोल 3 असिस्ट कर चुके हैं इस टीम के लिए, एंड रॉबिनसन कर चुके हैं अब तक 2 गोल्स, गैलागर जो मे बी सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं अगर आएंगे देन सोयर्स की जगह पर आएंगे, वो कर चुके हैं अब तक 2 गोल्स। सो ये दोनों तो इधर से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगर गैलागर खेलते हैं देन वो मैं आपको बता दूंगा आपको उनको किसकी जगह पिक करना है। आउटप्लेयर्स की बात करें, जोहोर लेको एंड टाउनसेंड जो नहीं खेलने वाले हैं आज के मैच में, ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे नहीं अगर खेलते हैं, स्टार्ट बेंच से ही करेंगे ये। बाकी सिटी की बात करते हैं देन एडरसन जो इधर से करेंगे गोलकीपिंग, कैंसलो स्टोन्स डियास एंड वाकर जो इनका डिफेंस है, वोकर जो इनका डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है। बाकी गंडोगन रोड्री फोर्डन महरेज सॉरी गंडोगन रोड्री एंड फोर्डन जो इनके मिडफील्ड रहेंगे, देन महरेज सिल्वा एंड स्टर्लिंग जो फ्रंट 3 में स्टार्ट करने वाले, KDB आज नहीं खेलेंगे क्योंकि वो हो चुके हैं इंजर्ड, एग्यूरो 1 एंड KDB तीनों बाहर है आज के मैच के लिए, वोकर है डाउटफुल खेलने के ज़्यादा चांसेस है, देन आते कार्सन वो भी है डाउटफुल, कार्सन अगर होते भी है देन उनकी दिक्कत नहीं है वो बेंच से आने वाले। बाकी वोकर के थोड़े हैं उनकी जगह पर, अगर वो मतलब कि ज़्यादा इंजर्ड हुए या नहीं खेल पाते कुछ की वो मर्जी है इनके मैनेजर की, सो वो देखते हैं।
अगर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर कोई और प्लेयर आएगा, सो उनको हमको पिक करना है। बाकी आपको बता दूंगा मैं इनको किसकी जगह पिक करना है या कैसे करना है, कब करना है। भाई गंडोगन की बात करते हैं, वो 5 गोल कर चुके हैं। स्टर्लिंग 5 गोल्स 3 असिस्ट, मैरिज 4 गोल्स एंड 1 असिस्ट। सिल्वा का कुछ ज़्यादा नहीं है, बट लास्ट मैच काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया था 1 गोल के साथ में। आउट प्लेयर्स की बात मैंने आपको बता ही दिया। देन सेट पीस टेकर्स की बात करते हो तो इधर से मैथ्यूज़ लेंगे पेनल्टी, एंड मैथ्यूज़ ही जो लेंगे फ्री किक्स वगैरह। सो इस टीम में सब काम यही कर लेंगे, इसीलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। बाकी सिटी की तरफ से स्टर्लिंग जो पेनल्टीज़ लेंगे, एंड देन गंडोगन एंड स्टर्लिंग जो फ्री किक्स लेंगे। अदरवाइज़ अगर KDB खेलते तो वो लेते, बट उनकी जगह आज गंडोगन और स्टर्लिंग लेंगे। सो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए बनते हैं। एंड गंडोगन तो जो इस सीज़न में उन्होंने तबाही मचाई हुई है, डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं बट स्टिल 5 गोल्स हैं इनके नाम पे, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, काफ़ी सही पॉइंट आपको आराम से दे जाते हैं हर मैच में। देन आते हैं इनके रिसेंट फॉर्म पर, वेस्ट ब्रोमविच तो पिछले 5 में से 4 मैच हारे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा ही गोल्स इधर से भी दिख जाएंगे आपको कंसीड कर रहे हैं। 5 गोल्स एंड 4 गोल्स 2 मैचेज में 9 गोल्स कंसीड करने, काफ़ी एक बुरी बात हम कह सकते हैं। इधर से ब्लैकपूल के अगेंस्ट में पेनल्टी पे हारे, पहले ड्रॉ खेला, देन उसके बाद वोल्वरहैम्पटन को 3-2 से हराया था, ये एक वोल्वरहैम्पटन के लिए शोक रहा था। देन 2-1 से वेस्ट हैम से हारे थे ये। सो काफ़ी अच्छे हम फॉर्म में कह नहीं सकते हैं, और जिसका फ़ायदा मैनचेस्टर सिटी आराम से उठाएगी। इधर से आपको दिख जाएगा पिछले 5 में से 4 मैच में क्लीन शीट से ये टीम जीत रही है, एंड लास्ट मैच भी इन्होंने 3-1 से जीता, बट एक गोल जो कंसीड कर दिया, बट काफ़ी अच्छी फॉर्म में हम कह सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 मैच ही हारे हैं। ओवरऑल हेडवर्ड देखेंगे तो 17 मैच हो चुके हैं, 15 मैनचेस्टर 2 ड्रॉ। आज तक पिछले 17 मैचेस में अभी तक जो ब्रोमविच एल्बियन को जीतनी मिली है। होम ग्राउंड देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही मिलेगा, 7 मैच सिटी लगातार जीतती हुई आ रही है उनके ग्राउंड पर, 1 ड्रॉ रहा था वो था बहुत पहले। एंड इधर से आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो वो फ़ायदा कुछ है नहीं वैसे देखने का, फिर भी देख लो आप। 1-1 का रहा था, 3-0 3-2 2-1 एंड 3-1 2.5 गोल से। इधर से आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि 2.5 गोल से ऊपर हर बार गोल्स हो रहे हैं, एंड ये आज भी आपको कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। किल प्लेयर स्मॉल लीग के लिए मैथ्यूज, रॉबिन्सन, ग्रोसिकी एंड लिवरमोर, जिनको आप पिक कर सकते हैं। एंड देन स्टर्लिंग, मैरिज, फोडन एंड गंडोगन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इधर से सिटी की तरफ से। वैसे सब इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिल्वा को आप पिक कर सकते हो, इधर से सिल्वा भी लिख लेना, बाकी टीम बनाते वक्त मैं आपको बता दूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए स्टर्लिंग, फोडन एंड गंडोगन जिनको आप बना सकते हो। वेस्ट ब्रोमविच के प्लेयर्स को मैं वाइस कैप्टन बनाने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अल्ट्रा रिस्क टेक करोगे बिल्कुल भाई, या तो #4 आना या #1 आना या बिल्कुल लास्ट रैंक या फर्स्ट रैंक, तो उसमें आप बना देना मैथ्यूज़ को या फिर रॉबिन्सन को। ग्रैंड लीग के पिक्स के लिए ग्रोसिकी एंड ग्रोसिकी एंड बर्नार्डो सिल्वा। बाकी वेस्ट ब्रोमविच के सभी प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि टीम ही ऐसी है जीतने के चांसेस बिल्कुल लो है उनके। बाकी अभी चलते हैं अपनी स्मॉली की टीम, मैं टीम बता देता हूँ स्मॉली की, लीग्स ज्वाइन करने मेरे को भी। जॉनस्टन जो इधर से गोलकीपिंग में पिक किया हुआ है, 3 डिफेंस में डियास, कैंसलो, स्टोन्स, वोकर जो डाउटफुल है उनको अभी के लिए वैसे मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतने पॉइंट देंगे नहीं जितने गंडोगन एंड बर्नार्डो सिल्वा दे सकते हैं। आप सिल्वा की जगह पर, आपके पास क्रेडिट भी है, सिल्वा की जगह पर या तो आप वोकर ले लेना या फिर मैरिज को ले लेना। फोडन गंडोगन को बिल्कुल मैं ड्रॉप करने का सजेशन दूंगा नहीं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में ये दोनों चल रहे हैं क्योंकि। एंड देन इधर से रॉबिन्सन, मैथ्यूज परेरा, लिवरमोर को पिक किया हुआ, लिवरमोर की जगह पर आप स्वेयर्स वगैरह को भी पिक कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, या फिर ग्रोसिकी को भी पिक कर सकते हो, या आपके पास एक प्लेस के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी इधर से रहीम स्टर्लिंग, KDB भी नहीं है इसलिए स्टर्लिंग को कैप्टन, वाइस कैप्टन फोडन को बनाया हुआ। वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शंस है गंडोगन, अगर रिस्क लोगे देन बर्नार्डो सिल्वा या फिर रियाद मैरे, जो भी आप पिक करोगे सिल्वा की जगह पर उनमें से। अगर वाइस कैप्टन इसमें से बनाना है देन रूबेन डियास और कैंसलो अच्छे ऑप्शन है, अगर डिफेंस में से आप बनाना चाहते हो तो। बाकी क्लीन शीट के मेरे को 95% चांसेस लगते हैं। सो अगर मैं आपको अपनी 11 टीम बताऊंगा देन उसमें से मैं जो 8 टीम्स है वो बिल्कुल एक क्लीन शीट तक बनाने वाला हूँ, एंड देन 2 टीम्स जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इधर से दोनों टीम स्कोरिंग लाइक कि कैप्टन स्टर्लिंग को कर दूंगा, वाइस कैप्टन रॉबिन्सन को या फिर वाइस कैप्टन मैथ्यूज़ को, इस टाइप से। एंड देन लास्ट टीम जो 0-0 पे बनाऊंगा वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन के। अगर मैं सच बताऊँ वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन के फेवर में मैं एक भी टीम नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं है उन पर कि वो क्लीन शीट से जीत सकते हैं मैच को, सो इस वजह से। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना है ताकि आपको भी मैच की वीडियो मिस ना करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सब कुछ वहाँ पर
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइज, आई होप यू विन जीएल टुडे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।